गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल राणा पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर से। अभी तक मैंने 5.2 से प्रश्नावली करने से पहले हम मैंने कुछ गुणधर्म के बारे में बताया था, साथ ही साथ 5.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन करा दिया था। आज मैं कराने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, दूसरे क्वेश्चन में ये कहा गया है, चित्र दे रखा है आपका, एक तिर्यक रेखा खींची गई है, ये तिर्यक रेखा कहलाती है, ये वाली है ए और बी और यह वाली तिर्यक रेखा है सी। यहाँ पर कोण बन रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये कोण बन रखे हैं। अब हमसे इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है संगत कोणों के युग्म पूछे गए हैं, संगत कोणों के युग्म कौन कौन से हैं। तो हम पहला मान लेते हैं 4 और 8, ठीक है, 4 और 8 पहला ये हो गया। दूसरा मान लिया हमने 1 और 5, तीसरा मान लेते हैं कोण 3 और 7, चौथा हो जाएगा हमारा 2 और 6। इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गए, संगत कोणों के योग हो गए। अब दूसरा पूछा है अंतर एकांतर कोण, अंतर एकांतर कोणों के योग, कोणों के योग। तो पहला हो जाएगा आपका 3 और 5, 3 बराबर कोण 5 और कोण 2 बराबर कोण 8, ये हो गया। तीसरा हमसे पूछ रखा है अंतर कोणों के योग, तिर्यक रेखा के द्वारा अंतर कोणों के योग। जब आप अंतर कोणों के योग बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और 5, दूसरा हो जाएगा 3 और 8, ठीक है। इसने क्या कहा था तीसरे क्वेश्चन में, त्रियक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतर कोणों के योग, अंतर कोण कौन से हो गए 3 और 5, 2 और 3 और 8 और 2 और 5 हो गए। आखिरी में दे रखा है ऊर्ध्वाधर समकोण, चौथे में ऊर्ध्वाधर समकोण, समूह कोण के लिए पूछा है। तो पहला होगा 2 और 4 यानी कि कोण 2 बराबर कोण 4, दूसरा हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 3, तीसरा हो जाएगा कोण 5 बराबर कोण 7, अगला हो जाएगा कोण 8 बराबर कोण 6। इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गए गुणधर्म है, इन्हें गुणधर्म कहते हैं। आखिर किस गुणधर्म के साथ ये एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं, इसी को हम कहते हैं गुणधर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ तीसरा, तीसरे क्वेश्चन में एक और डायग्राम दे रखा है, ये 2 समांतर रेखाएं दे रखी है इस टाइप से, ये हो गया P और ये हो गया Q, ठीक है, और ये हो गया आपकी त्रियक रेखा, ये हो गया Q, ये हो गया आपका कोण E, ये हो गया कोण F, यहाँ दे रखा है 125, यहाँ पर दे रखा है ये वाला A, ये वाला B, ये वाला C और ये वाला D, ये दे रखा है। अब हमसे कहा गया है अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए यदि P समांतर Q है, हमें दे रखा है P समांतर Q, तो हमें अज्ञात कोण ज्ञात करने हैं। तो सीधी सी बात है, ये वाला कोण संगत कोण किसके बराबर होगा, D के होगा, तो D बराबर हो जाएगा 125, ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं, डी बराबर 125 यानी संगत कोण,
अब जब b बराबर 125 आ गया, b भी हो जाएगा, b बराबर 125 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 125? क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर समकोण है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, ठीक है। अब b बराबर आ गया, तो यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, अब हमें निकालना है b और b तो निकल गया है, अब हमें e f a और c निकालने हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 125 और f, ये 125 और f क्या हो गए, हमारे अंतर कोणों का योग हो गए, तो 125 डिग्री प्लस f बराबर हो जाएगा 180, f बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 125, घटा देंगे 5, 7, 5, 55, तो हो गया 55 अंश, f आ गया 55 अंश आ गया, तो c बराबर भी हो जाएगा 55 अंश, c क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है, संगत कोण हो गया, इसलिए ये c हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, निकालना है a, तो a बराबर भी 55 हो जाएगा, a क्योंकि c का मान 55 आया, इसलिए a का मान भी 55 हो गया, ये हो जाएंगे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, सम्मुख कोण हो गया, ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो गया। अब आपका बचा e, तो a और e, a और e, तो e बराबर भी हो गया आपका, a का मान 55 आ गया, 55 अंश हो गया, और ये कोण हो गया संगत कोण। इस प्रकार से आपको सिर्फ क्या करना है, गुणधर्म लगाकर आपको क्या करना है, इनके मान निकालने हैं। अगर आपको गुणधर्म सही से याद हो गए तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हो गया, a का मान 55 आ गया, b का मान 125 आ गया, c का मान 55 आ गया, d का मान 125 आ गया, e का मान 55 आ गया, और f का मान 55 आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गए, संगत कोण हो गए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको गुणधर्म याद हो गए तो आप क्या कर सकते हैं, हर किसी का आंसर निकाल सकते हैं, a बराबर 55, b बराबर 125, c बराबर 55, d बराबर 125, e बराबर 55, f बराबर 55, ठीक हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, एक भाग कराऊंगा, दूसरा भाग आप खुद करेंगे। तो चौथे का पहला दे रखा है, डायग्राम बना लेते हैं इसका, दो आपकी क्या दे रखी है, समांतर रेखाएं दे रखी है, इस प्रकार से ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, इसे आपने एक तिरक रेखा यहाँ से काटा, दूसरी तिरक रेखा ये है, तो ये हो गया एम और ये वाली तिरक रेखा एल, और दो तिरक रेखाएं हो गई, यहाँ पर दे रखा है 100, ये दे रखा है एक्स, ये दे रखा है 80, ठीक है। आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है, तो अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो x बराबर 100 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोण हो गया, x बराबर क्या हो गया, संगत कोण हो गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 100 हो गया। तो सीधी सी बात है, आपको सिर्फ गुणधर्म पर ध्यान देना है कि हाँ हमें सबसे पहले गुणधर्म याद करने हैं, वरना हम क्या करेंगे, गलत हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मगर ये देख रहा हूँ दोनों ही डायग्राम एक जैसे बने हुए हैं, दोनों ही डायग्राम एक जैसे हैं पहला और दूसरे भाग में, तो थोड़ा सा एक किताब में मिसप्रिंट होगी, तो इसे ध्यान से करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, पांचवा क्वेश्चन में दे रखा है डायग्राम है आपका, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सत्तर हो गया, उसी प्रकार से ये हो गया, तो ये हो गया आपका यहाँ पर बिंदु हो गया डी, ये हो गया आपका जहाँ पर मिला बिंदु जी, ये वाला हो गया सी, ये हो गया ई, और ये वाला हो गया एफ। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर दे रखा है कोण ए बी सी बराबर 70 अंश दे रखा है, कितना दे रखा है, 70 अंश दे रखा है, हमें क्या निकालना है, कोण डी जी सी, डी जी सी हमें ये निकालना है, और डी जी सी, और इन दोनों कोणों की बात करेंगे तो ये संगत कोण हो गए, तो डी जी सी
70 हो जाएगा और ये लिख देंगे आप संगत कोण, संगत कोण लिख देंगे। अब हमें दूसरा निकालना है, इसमें कौन सा निकालना है, कोण डी ई एफ, डी ई एफ। अब ये 70 आ गया, अब इसकी और इस कोण की बात करेंगे तो ये भी 70 हो जाएगा क्योंकि संगत कोण हो जाएगा। तो ये हो गया 70 अंश और ये हो गया संगत कोण। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली के कितने क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन में हम 6ठे क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, जिससे क्या होगी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। 6ठे क्वेश्चन में पहला भाग दे रखा है ये n हो गया यहां से यहां तक, ये हो गया ये एल हो गया और ये एम हो गया। ये दे रखा है 126 और ये वाला दे रखा है 44। अब हमसे पूछा है कि एल और एम के समांतर है या नहीं है, तो हम देखते हैं कि ये अंतः कोण हो गए हैं, अंतः एक एक ही तरफ बने हुए अंतः कोण युग्म हो गए हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 126 प्लस 44 तो इसका मान आ गया 10 6 7 170। तो यहाँ पर हो जाएगा एम एल एम के समांतर नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसका मान 180 आना था, यहां पर आया 170, इसलिए ये समांतर नहीं है। एक और क्वेश्चन करके बता दे रहा हूं, सेकंड पार्ट हो गया इसका, ये रेखा इस टाइप से है, दूसरी रेखा भी इस टाइप से हो गई और एक आपकी तिरंग रेखा हो गई यहां पर। तो ये हो गया एन, ये हो गया एम, ये हो गया एम, ये दे रखा है 75 अंश और ये वाला भी दे रखा है 75 अंश। अब आपको क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि एल और एम समांतर है या नहीं है, ये दोनों समांतर है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये वाला कोण इन दोनों को जोड़ करके आना चाहिए आपका 180 आना चाहिए। अब यहाँ पर ये वाला 75 है तो ये भी क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे, अंतः कोण इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, मगर हमें ये दोनों रेखाएं दिखानी है, तो इस वाले कोण को निकालोगे तो 180 में से 75 घटाओगे तो ये हो जाएगा 5 7 0 और 105, तो ये हो जाएगा 105 अंश। तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे 105 अंश प्लस 75 अंश तो ये हो जाएगा आपका 180 अंश। तो एल एम के समांतर है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कर लेंगे, ध्यान से करिएगा कि हमें सबसे पहले क्या करना है, समांतर सिद्ध करना है, इसलिए ठीक है, हमें क्या करना है, समांतर सिद्ध करना है, इसलिए हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों को ध्यान से करना है। अगर आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से नहीं करेंगे तो क्या होगा, गलत आंसर आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गुण धर्म याद करने हैं, गुण धर्म याद करने हैं, सबसे पहले क्या करने हैं, गुण धर्म याद करने हैं। तो यहां पर क्या हो गया 75 हो गया, अब इन दोनों का योग कितना आया, इन दोनों का योग आ गया 75 प्लस 75, मैंने ये वाला निकाल दिया इसलिए गलत हो गया, 150 हो गया। तो ये हो गया समांतर रेखा एल एम के समांतर नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया कि हम 75 और 75 को भी ये क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर समांतर हो गए, मैंने यहाँ का मान निकाल दिया था तो वो गलत हो गया था। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन करिएगा, जरा सी भी अगर आपने गलती कर दी तो वह क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।